कांग्रेसी प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने जब से टीवी डिबेट में हिस्सा लेना शुरू किया है तब से लगातार वो बीजेपी प्रवक्ताओं पर जमकर हमले बोल रहे हैं। हाल ही में एंकर अंजना ओम कश्यप के शो में गौरव ने संबित पर हमला बोलते हुए कहा कि आप राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर सवाल खड़े करते हो लेकिन ये नहीं बताते कि अमित शाह का चुनाव किस आधार पर बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी में अध्यक्ष के लिए कोई वोटिंग नहीं होती लेकिन कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग होती है। इसके बाद संबित बातों को गोलमोल घुमाने लगे और गौरव ने अंजना से कहा कि जवाब देने के बजाय बातों को बस घुमाने में माहिर हो गए हैं संबित पात्रा। आपको यहां ये भी बताते चलें कि कुछ दिनों पहले भी सुमित अवस्थी के एक कार्यक्रम में गौरव उस वक्त संबित पर हावी हो गए थे जब पात्रा ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात उठाई थी। इसके बाद बल्लभ ने उनसे पूछ लिया था कि ट्रिलियन में आखिर जीरो कितने होते हैं। पात्रा के पास इसका कोई जवाब नहीं था तो इसके बाद बल्लभ ने बताया कि 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। इसके बाद तो वह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया था। बल्लभ इस कार्यक्रम के बाद ना सिर्फ कांग्रेस के हीरो बन गए बल्कि टीवी चैनल्स भी उन्हें खूब अपने शो में बुलाने लगे हैं। गौरव ने जब संबित की बोलती बंद की थी तो सोनिया और राहुल दोनों ने ही बल्लभ की खूब पीठ थपथपाई थी। फिलहाल जिस तरह से बल्लभ ने संबित का मुंह बंद किया है वो यह बताता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी समेत तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं को बल्लभ से सतर्क रहना होगा क्योंकि बल्लभ बहुत सदे हुए अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। SPN9 न्यूज के लिए मैं भ्रमांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।